जय भगवान परशुराम भाई, जय दाता रावण की। यू फोटो देखे होगा भाई सारे भाइयों ने, तो भाई पूछ रहे भाई कौन था यू। यू था भाई रुपेश पांडे, ब्राह्मण झारखंड से, जिसकी सरस्वती पूजन में मुसलमान ने हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि भाई 36 बिरादरी थी वहां, 36 बिरादरी में किसी पर हमला नहीं होया। यू एक ब्राह्मण था, इस पर हमला होया। क्यों होया? क्योंकि हमारा समाज कमजोर है, हमारी जात कमजोर है, और किसी जात पर नहीं होया, क्योंकि हर जात के एकदम खड़े हो जाएंगे। यू जोड़ा हत्या कर दी गई। गरीब परिवार था, 17 साल का लड़का था, एक फोन की दुकान पर काम करा करता भाई। इसकी हत्या कर दी गई बहुत बेरहम तरीके से, पत्थर मार मार के इसके सिर में हत्या कर दी गई। 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होया, लग दो गिरफ्तार हुए हैं। जो वहाँ का DFSP है वो भी एक मुसलमान है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट में नेट बंद कर दिया गया है। हाजी कुछ इस तरह का डिस्ट्रिक्ट है इस भाई का, तो वहाँ इसका नेट बंद कर दिया गया। और ना इसका इतना ब्योत भाई केस लड़ सका, परिवार कति गरीब है। तो मैं अपने सारे ब्राह्मण समाज तक कहना चाहूँ कि भाई का साथ दो, जितने भी है सारे मेरे भाई अपने समाज का साथ दो, क्योंकि न करे तो हिंदुत्वों के लिए है, क्योंकि वहाँ 36 बिरादरी थी, एक हमारी बिरादरी पर हमला हुआ। क्यों होया? क्योंकि हम सबके सामने कमजोर हो रहे हैं। हम सारे लोग भाई ब्राह्मण एक नीनू नी, अपना एकता का परिचय दो भाई। एक भाई था देवेंद्र झा, जो परशुराम संघ चला झारखंड से, बीजेपी का नेता भी है। उसने कह रहा था भाई था हरियाणा वाले और तो सारी चीजा की आवाज उठाओ, यूपी की उठाओ, राजस्थान की उठाओ, था हमने झारखंड की आवाज नहीं उठाई। कि भाई झारखंड के ब्राह्मण अलग है, कि भाई हमारे लिए कोई ब्राह्मण अलग नहीं है, चाहे वो विदेश मरण दो चाहे हमारे देश मरण दो, हमारे सारे ब्राह्मण भाई एक है। और इस भाई की भी जितनी होगी जिस तरीके तो होगी, हम सारे डाल मदद करांगे भाई, ठीक है। इसके लिए प्रोटेस्ट भी करांगे, सारे करांगे। वो कह रहा था भाई ट्रेंड चलाओ, उस पर ट्विटर पर ट्रेंड भी चलावांगे भाई, पीछे का नहीं तो मदद करांगे और डाल तो मदद करांगे। चाहे कोई ब्राह्मण कहीं क्या हो, पूरे देश में हम सब की मदद करांगे। और इस भाई गरीब है तो हम गरीब की मदद करांगे। हम पहले शुरू तक कहने आने लगे रे हिंदू तब खुद मजबूत हो जाएगा जब अपनी जात मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वहां 36 बिरादरी थी, 36 बिरादरी थी, कोई हमला नहीं कराया गया है, सिर्फ इस लड़के पर हमला कराया गया। 17 साल का लड़का था, वो एक दुकान पर फोन की दुकान पर काम करा करता, अपना परिवार चला रहा था, बाप भी गरीब है इसका। तो सारे भाई कहना चाहूं मैं कि भाई का मदद करो जितने भी हैं सब। ज्यादा दरावण की जय भगवान परशुराम भाई।